साथियों, भाजपा के प्रतिनिधि के तौर पर आपको पंचायत व्यवस्था का लाभ समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना है और मैं आप जिला के नेताओं से आग्रह करूंगा, आप सप्ताह में दो रात अपने क्षेत्र के किसी न किसी छोटे स्थान पर जाकर के रात को रुकना चाहिए, वहां के लोगों के साथ बैठना चाहिए। सप्ताह में दो दिन ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप ये कर सकते हैं। कहीं गांव गए रात को वापस आ गए ऐसा नहीं, वहां रुकना मतलब रुकना है, आप देखिए इतने से ही फर्क शुरू हो जाएगा। आप जानते हैं कि आज केंद्र सरकार हर योजना के 100% सैचुरेशन का लक्ष्य लेकर चल रही है और ये तभी संभव है जब गांव गांव में हम इस लक्ष्य को हासिल करें और जब हम 100% सभी हितकारी को 100% लाभ पहुंचाने में सफल होते हैं तो जातिवाद भी नहीं रहता है, परिवारवाद भी नहीं रहता है, मेरा तेरा भी नहीं रहता है, भ्रष्टाचार के लिए जगह नहीं रहती है, सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय होता है, सच्चे अर्थ में सेक्युलरिज्म होता है और इसलिए 100% ये हमारा लक्ष्य रहना चाहिए। पिछले 9 वर्षों में किसानों के लिए बीज से बाजार तक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया गया है जिससे खेती की लागत कम हो और आय बढ़े। अप्राकृतिक खेती, इस पर बड़ा बल दिया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत ये आंकड़ा भी बहुत बड़ा है और ये मोदी की गारंटी है। देखिए कैसे काम होता है। 2019 में जब मैंने शुरू किया तो लोग कहते हैं तो चुनाव है क्या कर रहे हैं, मोदी की गारंटी चुनावी वादे नहीं होती है, मोदी जब गारंटी देता है तो उसको जमीन पे उतार के रहता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे जमा कराए जा चुके हैं। ये आंकड़ा याद रखना, 2,60,000 करोड़। आप कल्पना कर सकते हैं हमारे किसानों को जो यूरिया 300 रुपए से कम में मिल रही है, लेकिन आपको पता है दरअसल उसकी कीमत क्या है? सारा खर्च सरकार अपने कंधों पर उठाती है, किसान के कंधे पर नहीं जाने देती है। आज दुनिया के कई देश हैं जहां एक यूरिया का थैला जो हम बोरी बेचते हैं ना, 300 से भी कम दुनिया में 3,000 में बिकती है। इतना पैसा सरकार बोझ उठाती है ताकि किसान पर बोझ न पड़े। नैनो यूरिया के द्वारा भी किसानों का ट्रांसपोर्टेशन पर होने वाला खर्च कम होने वाला है। फसल बीमा योजना के जरिए भी किसानों को 1,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा मिला है। अब 1,30,000 करोड़ पहले के जमाने में कोई होता, पूरे किसानों का पूरा बजट भी नहीं होता था। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने किसानों के लिए वन स्टॉप सेंटर के रूप में 1,25,000 पूरे देश में 1,25,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र देश को समर्पित किए हैं। आपके जिले में भी सैकड़ों ऐसे केंद्र बने हैं, कभी जाइए वहां उस केंद्र में जाके आधा घंटा बैठिए। इन केंद्रों पर एक ही जगह खाद, बीज, कृषि औजार, नई वैज्ञानिक पद्धति और सरकारी योजनाओं की जानकारी, ये सब कुछ एक ही जगह पे मिल रहा है। केंद्र सरकार के ये सारे प्रयास किसानों का जीवन आसान बनाने, उनकी आय बढ़ाने में
बहुत मददगार साबित हो रहे हैं। आपको अपने क्षेत्र में इन सारी योजनाओं को किसान के पास खेत तक पहुंचाना है। सरकारी दफ्तरों में योजनाएं नहीं रहनी चाहिए, किसान के खेत तक पहुंचनी चाहिए, किसान के घर तक पहुंचनी चाहिए। लक्ष्य यही रखना है कि आपके क्षेत्र का एक भी किसान केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।